कितनी देर हो गई आपको पाकिस्तान से गए? हो गया कोई तकरीबन 20 साल, 19 साल। 20 साल। ठीक हो गया यार भाई जी। बंदा जिस मुल्क में रहता हो, जहां से खाया पिया हो यार, उस पर थोड़ा सा हौला करो नहीं, सही सच की बात आप। करनी है। क्या गलत बात की है? कभी गलत बात नहीं की पाकिस्तान के बारे में। नहीं आपकी देखें, इसकी मिसाल मैं दे सकता हूँ। अभी ये दे। प्रोग्राम हो रहा है, स्ट्रीम हो रही है लेडीज पर, ठीक हो गया? वो लेडीज ठीक हो पर गया। वो बातें होती होती मिसाल दे, आपने अभी दो मिसालें दी हैं। एक अच्छा उसको आपने जवाब दिया है, वो जो पहले बंदे से आपकी बात हो रही थी उसमें आपने आबे जमजम का जो जिक्र किया है, वो साइंस वो याद आ गया। जो बंदा उधर इंडिया में कोई पता नहीं कितने साल से कुछ खाया है, पिया नहीं, मुझे उस पर नहीं जाना कि वो खा रहा है कि नहीं खा रहा, वो झूठ उसकी है, मर्जी है। झूठ है वो। हाँ लेकिन 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 आपने जब भी मिसाल देनी जो आप दोगे, आपने या तो इस्लाम को खींच लेना अपनी तरफ या पाकिस्तान को ले आना है। उसके बगैर आप गुफ्तगू नहीं करते। तो आपने मैं अभी मिसाल वापस भी करके आ गया। देनी है, आ गया जवाब, आ अभी गया, आ आपने गया, पॉइंट खुदा आ को गया, सुनाया है तो बापों को सुना दिया। मैं इधर ही पॉइंट आ हूँ, गया, आप बात पॉइंट आ करो गया। मैं अच्छा पॉइंट सुनूंगा। आ हाँ गया, पॉइंट आ गया। अब आराम से था, मुझे सुनना। अभी हाँ ठीक है, हाँ चलें मुझे दें सुनना। बस इतना ही। वो मैं आपको अब उस बंदे को मैं समझा रहा हूं कि जो उसको हिंदुइज्म की सोर्स ने जो उसको बताया हुआ, जिस पे वो यकीन करता है, जिस पाखंड पे, मैं उसको गलत साबित कर रहा हूं और मैं उसकी सिमिलैरिटी बयान कर रहा हूं कि उसी तरह मुसलमान भी ये करता है। अब उसमें मैं एक और हिंदू की एग्जाम्पल दे दूं, क्योंकि वो तो उसको समझ नहीं आएगी, क्योंकि वो कहेगा वो भी सच है। अगर मैं उसको दिखाऊं कि भाई आपके हिंदू बाबा ये भी, कुछ बाबा को ये भी मानते हैं, तो वो कहेगा हाँ वो भी सच है। उसको मैं उसकी उस सोच को दिखाऊंगा जो उससे ऑपोजिट है, जिसको वो गलत मानता है। तो इसको कहते हैं मंतक। मैं उसको मंतक सिखा रहा हूं कि जो मंतक यहां पर मुसलमानों की दफा, जिसको वो गलत समझता है कि आबे जमजम में पानी नहीं हो सकता, वो झूठ है। जिस तरह लेकिन मुसलमान उसी की तरह सोच रहे हैं कि जो उसका मंतक है, जो जो उसके मजहब की बात है, वो उसे सच लग रही है कि वो बाबा हमेशा से खाना नहीं खाता, वो बाबा सही है, उसने रिसर्च नहीं की उसके ऊपर। उसी तरह मैंने कहा देखो अपनी दफा तुम्हें भी रिसर्च नहीं तुम कर देख रहे, अपनी दफा तुमने सुन ली तो तुमने मान लिया। वही बात तो मुसलमान भी करते हैं, और मुसलमान को भी मैं यही एग्जाम्पल दूंगा। जबकि भाई हिंदू मानते हैं कि वो बाबा जी कभी 20 साल नहीं, 80 साल उन्होंने खाना ही नहीं खाया और उनका वजन नहीं कभी आगे पीछे हुआ। मैंने कहा वो भी तो मानते हैं ये, तो आप क्यों मानते? तो भाई ये आप ये इसको इसको मंतक कहते हैं। इसको मंतक समझाने के लिए ये मैंने बात यूज की। दूसरी, आपने बाबा जी की बात की, ये तो लतीफा, मैं पंजाबी पंजाबी लतीफे में अक्सर सुनाता रहता हूँ मस्ताने के, तो इसमें बाबा जी, अब बाबा जी पे भी नहीं बात की जा सकती है। अब चूंकि आप बाबा जी की तरह नहीं, भी नहीं हो। नहीं यार अपना। अच्छा चलो गाइस गाइस गाइस, देखो अभी हर्ष और भी बहुत भाई सारे मेरा लोग बैठे हैं मौका शायद ये जी। है, हाँ एक मिनट, मेरा मौका सिर्फ ये है कि आपने सिर्फ मिसाल इस्लाम और पाकिस्तान के बारे में देनी, और दुनिया में कोई मुल्क नहीं है। नहीं, बड़ी 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 दी हैं मिसालें, बड़े और मुल्कों की मिसालें। मगरिब में मैं इंग्लिश की जो स्ट्रीम करता हूँ उसमें मैं अंग्रेजों की आप सारी लोग मिसालें इंग्लिश रखता चैनल नहीं देखते ना हमारा? उसपे हम यार दूसरी चीजों पे भी अपने। डिस्कस करते हैं, आप लोगों को नहीं मगर हर्ष देखिए भाई ना मुझे शायद जी। लिंक देखिए देखिए देखिए, भेजो एक बात सुने, यार, आपकी एक बात प्राइवेट बात सुने, होगी। अरे एक बात सुने, प्राइवेट सुने देखिए आप, बात सुने आपका शिकवा दूर मेरी। हो जाएगा। उर्दू कौन समझता है? उर्दू और हिंदी कौन समझता है? इंडिया वाले, पाकिस्तान वाले, नेपाल वाले, चंद लोग हैं ना जो समझते हैं। तो फिर जब हम बात कर रहे हो तो हम वहीं की मिसालें देंगे ना। अब इंग्लिश में जब हम बात कर रहे होते हैं तो फिर हम इंग्लिश की यहाँ की चीजों की बात करें। आपने उस दिन मुझसे क्वेश्चन किया था कि वो जो यहाँ पर चार लोग जो जिनकी डेथ हुई थी मुसलमानों की, पाकिस्तान कि में मैंने ट्रक उसपे, मारा। कि हाँ मैंने उनपे वीडियो बनाया कि नहीं? मैंने बनाया उनपे मैंने वीडियो, भी बनाया था, इंग्लिश में भी मैंने भी डाला बनाया है और था, यहाँ भी डाला है। मैंने देखिए भी बनाया बात था। ये नहीं है कि हम इस रिलीजन को पकड़ रहे हैं, उस रिलीजन को पकड़े हैं, नहीं, हम इंसानियत पे बात कर रहे मैंने हैं, माना था, ठीक है ना? हाँ मैंने मान तो ली थी चले। आपकी अच्छा अच्छा बात, शायद मैंने जी बात अब मुझे मान ली निकलना थी। है, बाजा बस बस क्योंकि बस क्योंकि एक हाँ और मोमिन जी हमारे साथ हैं, हम उनको भी लेंगे। मगर थैंक यू सो मच शायद जी, आप आए आज। फारूक जी लास्ट वर्ड, ये आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ मैं कह रहा था कि हारिस भाई आप शिकवा कर रहे थे कि चाचा जी इस साइड पे आ रहे हैं, आपकी साइड पे नहीं आते, आपके भी हालांकि स्ट्रीम चल रही होती है। ये एक नेचुरल अट्रैक्शन है ना, और वैसे भी मजे। या तो फिर मालेज जितनी खूबसूरती लेके आए, हाँ चाचा आपके भी आपके चैनल पे भी आया करेगा। चाचा जी, नहीं मुझे चाची, मेरे मेरे चैनल पे मुझे चाची जी चाची आती है चाहिए। भैया? नहीं, आती है, वो आपके कहती है। चैनल पे हमारा एक दिन क्या? एक लड़की आई थी यहाँ पर जो जिनका क्रश था हारिस पे। अच्छा हाँ मगर आजकल तो आपके चैनल पे आपको पता चाची नहीं है, आएंगी मैं बिल्कुल। आजकल तो आपको पता नहीं है मैं तो हारिस की गर्लफ्रेंड हूँ। आपको पता नहीं है हमारा रिलेशनशिप इतने दूर का चल रहा है?
और गालिब की गर्लफ्रेंड वो कौन था, लबेल वही अम्मा दादी लबेल, अम्मा पता नहीं कौन कौन किस किस के चक्कर चलाती है। चले ऐसे ही ऐसे ही ख्याल प्लान चलता रहता है। चले थैंक यू फारूक जी।